हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मिया मैथ्स टीचर। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.6 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बॉल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। तो सिलेंड्रिकल बॉल है जिसका डायमीटर आपका 7 सेंटीमीटर है। इफ द बॉल इज फिल्ड विथ सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो इस बॉल को क्या करते हैं, पूरा नहीं फिल करते, सिर्फ 4 सेंटीमीटर हाइट तक इसको यहां पे फिल कर दें। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। तो एक बंदे के लिए एक बॉल में इतना सूप जाता है, तो 250 पेशेंट के लिए कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो ऑब्वियस कैपेसिटी की बात हो गई, तो यानी यहां पे इस ग्लास में जो भी सूप यहां पे आ रहा है तो हमें उस सूप का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए डायमीटर से तो रेडियस हो जाएगा और जितनी हाइट तक फिल करें वो आपको यहां पे गिवन है। तो इजीली इस सूप का वॉल्यूम हम फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेंगे। तो द सूप इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, तो देयरफॉर आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेना है। तो डायमीटर आपको गिवन है 7, रेडियस आपका 7/2 हो गया, हाइट आपको गिवन है, सूप का वॉल्यूम फाइंड करना है। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया पाई आर स्क्वायर एच, इसको सॉल्व कर लो। पाई की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है 22/7, यानी एक पेशेंट को कितना सूप मिल रहा है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वॉल्यूम सूप इन सिलेंड्रिकल वेसल, नहीं यहाँ पे बॉल आएगा, फॉर वन पेशेंट के लिए फाइंड करें। तो आर स्क्वायर यानी कि 7/2 आपको 2 टाइम यहाँ पे राइट करना है और हाइट यहाँ पे आपकी कितनी है 4, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 into 2 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो 22 into 7 यानी 154 cm³, यानी एक पेशेंट को इतना वॉल्यूम का सूप मिलता है। अब हमें सूप कितने पेशेंट के लिए चाहिए, 250 के लिए, तो 250 के लिए कितना चाहिए वो फाइंड कर लेते हैं। तो सूप सर्व टू वन पेशेंट इक्वल टू 154 cm³, एक पेशेंट को इतना सूप सर्व होता है। तो सूप सर्व टू 250 पेशेंट, तो 250 से मल्टीपल कर लो, 154 into 250, तो ये आप यहाँ पे ज़ीरो लगा दो। 24 into 4 का 100, 100 का 0 कैरी 10, 25 into 5 125 प्लस 10 135 का 5 कैरी 13, 25 into 1 आपका यहाँ पे हो गया 25 प्लस 13 आपका यहाँ पे हो गया 38, तो 38500 cm³। तो आप यहाँ पे सूप क्या करोगे, सेंटीमीटर क्यूब इस वॉल्यूम में तो नहीं दोगे, लीटर में आप यहाँ पे देखो, कॉमन सेंस लगाना है आपको, आंसर यहाँ पे लीटर में बताना है। तो यहाँ साइड में हम लिख लेते हैं 1000 cm³ आपका 1 लीटर के इक्वल होता है। तो 1 cm³ किसके इक्वल होगा, क्योंकि एक का पता होगा तभी तो हम ज़्यादा का फाइंड कर पाएंगे, तो 1/1000 लीटर के इक्वल होगा। ठीक है, तो 3850 कितने सेंटीमीटर क्यूब कितने लीटर के इक्वल होगा, तो 1/1000 से मल्टीपल करना है या फिर 1000 से डिवाइड करना है। तो 38500 इंटू 1/1000 से हमने मल्टीपल किया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, एक नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 38.5 लीटर्स। तो लिक्विड है इसलिए आंसर आपको लीटर्स में देना है। तो टोटल कितना सूप चाहिए, 38.5 लीटर्स आपको यहाँ पे सूप टोटल 250 पेशेंट के लिए चाहिए। तो फाइनल आंसर, देयरफॉर 38.5 लीटर सूप द लीटर सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिगर जरूर से ड्रॉ करना है, तो आपके मार्क्स कहीं पे भी कट नहीं होंगे। तो अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।